डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना वायरस से उपजी महामारी, कोविड से जूझ रहे देश के सामने ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी ने किस तरह एक नई समस्या खड़ी कर दी है। इसका प्रमाण है एक के बाद एक राज्यों की ओर से उसे महामारी घोषित किया जाना। ब्लैक फंगस को केवल महामारी घोषित करना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि आवश्यकता ऐसे उपाय करने की भी है कि कैसे लोग इस बीमारी की चपेट में आने से बचे रहें, और यदि दुर्भाग्य से आ भी जाएं तो उनका समय रहते सही उपचार हो सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी तक करीब 125 कोरोना मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं, और कई की आंखों की रोशनी चली गई है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे। यह ठीक है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने से एक तो सभी मरीजों का विवरण भारत सरकार के पास उपलब्ध रहेगा, और दूसरे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के दिशा निर्देशों के हिसाब से इलाज हो सकेगा। लेकिन इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि किन कारणों से महामारी का रूप धारण कर चुकी यह बीमारी सिर उठा रही है। इन कारणों से न केवल आम लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए, बल्कि चिकित्सक समुदायों को भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत इसीलिए अधिक है क्योंकि कोरोना गांवों तक फैल गया है। निसंदेह इसके कारणों की तह तक भी जाना होगा कि ब्लैक फंगस ने भारत में ही इतना कहर क्यों मचाया है। हालांकि यह बीमारी ऐसे कोरोना मरीजों को अपनी चपेट में लेती है जो मधुमेह रोगी होते हैं, और भारत में सबसे अधिक मधुमेह रोगी हैं। लेकिन एक अन्य कारण कोविड के उपचार के दौरान कुछ दवाओं का अनियंत्रित इस्तेमाल भी है। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सक इससे भली तरह अवगत हो जाएं कि कोविड उपचार के दौरान किन दवाओं के इस्तेमाल में बहुत सावधानी बरतनी है। कोरोना मरीजों की जान तो बचानी ही है, लेकिन इस कोशिश में उपचार के दौरान या फिर उसके बाद ऐसी कोई गफलत न होने पाए कि मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाए। यह अच्छा है कि ब्लैक फंगस के उपचार में कारगर दवा की तंगी
को देखते हुए कुछ और कंपनियों को उसका उत्पादन करने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश के विभिन्न हिस्सों में यह दवा यथाशीघ्र उपलब्ध भी हो। वास्तव में बात तब बनेगी जब दवा के उत्पादन के साथ उसकी आपूर्ति पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा।